हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना वायरस से बचाव की तैयारियों की समीक्षा। कहा, लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई। डीएम और एसपी ने संत कबीर नगर जिले से सटे विभिन्न क्षेत्रों का किया निरीक्षण। लॉकडाउन की स्थिति का लिया जायजा। गेहूं खरीद की भी ली जानकारी। संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। संदिग्ध परिस्थितियों में छत की कुंडी से लटकती मिली छात्रा का शव। मौके पर पहुंची बेलीपार पुलिस। शव को कब्जे में लेकर जुटी जांच में। लॉकडाउन के दौरान साइबर क्राइम की घटनाओं पर पुलिस की है नजर। एसएसपी ने कहा, जानकारी होने पर होगी कार्रवाई। सदर सांसद रवि किशन ने वीडियो संदेश के माध्यम से खुद आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर किया अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का अनुरोध। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी ने कहा, पुलिस लगातार चला रही अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान। कारोबारियों पर दर्ज हो चुके हैं 100 से अधिक एफआईआर। कहा, रखे सेहत का ध्यान, ना करे जहरीली शराब का सेवन। जन सहयोग से जिला प्रशासन का कम्युनिटी किचन गरीबों असहायों को उपलब्ध करा रहा है निःशुल्क राशन सामग्री। साथ ही आवारा जानवरों को भी करा रहा है भोजन। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आईएएस अनुभव सिंह ने दी जानकारी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मुख्यमंत्री डिस्ट्रेंस रिलीफ फंड में डीएम के माध्यम से ईट निर्माता संघ ने तथा लिटिल फ्लावर एजुकेशन सोसाइटी ने दिए 5-5 लाख की सहायता राशि, जिससे हो सके पीड़ित मरीजों का इलाज। महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा जनता को कोविड 19 के संबंध में लगातार किया जा रहा है जागरूक। लोगों में किया गया मास्क एवं लंच पैकेट का वितरण। देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ने के बाद गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र की पुलिस हुई पूरी तरह अलर्ट। एसपी साउथ विपिन कुमार श्रीवास्तव ने कहा, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जा रही है दंडात्मक कार्रवाई। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगातार लॉकडाउन का अनुपालन करा रहे पुलिस कर्मियों के लिए गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस क्लब गोरखपुर ने एसएसपी को सौंपा मास्क, जिससे हो सके पुलिस कर्मियों की सुरक्षा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला अस्पताल में अस्पताल प्रशासन द्वारा सभी वार्डों को कराया गया सैनिटाइज। अस्पताल कर्मचारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। लॉकडाउन के दौरान गुरुवार से महवा मंडी में नई व्यवस्था हुई लागू। अलग अलग की गई सब्जियों की गाड़ियों की लेन, ताकि हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। लॉकडाउन के दौरान गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों का हो रहा है डोर टू डोर सप्लाई। एजेंसी के मैनेजर ने दी जानकारी। और लॉकडाउन के दूसरे चरण में पहले की तरह ही हो रहा है लॉकडाउन का पालन। सीओ कैंट ने कहा, चिन्हित 57 क्षेत्रों पर नाकेबंदी के साथ बेवजह घूमने वालों पर मुकदमा दर्ज कर की जा रही है कार्रवाई।